देश की आजादी के 75वें वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव को अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। इस क्रम में बिंदुखत्ता के शहीद स्मारक से भाजपा बिंदुखत्ता मंडल द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। इस अवसर पर अजय भट्ट ने शहीदों को नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किए, जिसके बाद तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी बिंदुखत्ता शहीद स्मारक से प्रारंभ होकर कार रोड से होते हुए ढलान चक्की क्षेत्र में समाप्त हुई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहित भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों ने शिरकत की। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक आह्वान किया था कि 75वीं वर्षगांठ, जो कि 75वीं वर्षगांठ को जीवन में एक बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देश के 75 वर्ष पूर्ण हुए और 75 हफ्तों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को 12 मार्च से 2023 12 मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसका आह्वान मोदी जी ने किया है। संपूर्ण देश के अंदर एक उत्साह और उल्लास के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज बिंदुखत्ता मंडल में यह कार्यक्रम मनाया गया और इसमें अनेक सामाजिक संगठनों ने आज इसमें सहभागिता कर देश के प्रति, तिरंगे झंडे के प्रति अपना सौहार्द और अपनी श्रद्धा दिखाई। साथ ही बड़ा ही उत्साह हमारे युवाओं में, स्कूली छात्रों में, हमारे कार्यकर्ताओं में, पूर्व सैनिक संगठनों में, सभी में बड़ा ही उत्साह देखा। एक अपार भीड़ ने आकर माननीय अजय भट्ट जी की को एक अपार समर्थन दिया, माननीय जिलाध्यक्ष जी को, माननीय विधायक जी, सभी कार्यक्रमों में उनकी गरिमा उपस्थिति रही, सभी सम्मानित होगी और एक अपार भीड़ ने समर्थन दिया है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आगामी 2 दिनों तक और हर घर में हम तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम को बड़े ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर हर घर में हम तिरंगा लगाएंगे। हमारे युवाओं में, हमारे बुजुर्गों में, माताओं बहनों में और जितने भी हमारे स्कूल हैं, कॉलेजें, लोग झंडा लेकर, अपने हाथों में झंडा लेकर स्वतः स्फूर्ति से बाहर निकल रहे हैं, ये बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हर घर में तिरंगा लगाए, तो अपील करें, उनकी अपील को पूरे देश ने हाथों हाथ लिया है, सभी लोगों में होड़ लगी हुई है झंडा खरीदने की, और जो झंडा बनाकर दे रही हैं हमको और कई, या खादी हमारा जो प्रतिष्ठान है, मैंने सुना है कि वो एक ज़बरदस्त झंडों की बिक्री के कारण काफ़ी आगे उनकी बिक्री बढ़ गई है, तो ये एक बड़ी बात है कि स्वतः प्रेरणा से लोगों में होड़ लगी है, प्रधानमंत्री जी की अपील को मान रहे हैं। ये जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर लोगों ने आज तिरंगे को प्रधानमंत्री जी की अपील पर घर घर फहराने का जो निर्णय लिया है, यह ऐतिहासिक है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। आप देखते होंगे जवान हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और जब विजय पताका फहराते हैं युद्ध के बाद तो तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा हमारी जीत का, हमारी सीमाओं की रक्षा का, हमारे देश के सम्मान का, हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और आज हम सब लोग एक हैं। पूरे विश्व में यह मैसेज गया है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पक्ष विपक्ष तो 10-15 दिन चुनाव में होंगे, लेकिन राष्ट्रीय एकता क्या होती है, राष्ट्रीय पर्व पर हम कैसे एक होते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को सब ने मान कर एक इतिहास रच दिया। बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने के